तो जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्य चौधरी बिल्कुल ओपनली सपोर्ट कर रहे थे एलविस यादव को जिताने के लिए, पर आपको पता होगा कि लक्ष्य चौधरी जो है वो फुकरा इंसान के भी काफी अच्छे दोस्त है, पर उन्होंने फुकरा इंसान को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसी चीज को लेकर जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लक्ष्य चौधरी से, और उनके बारे में क्या बोल रही है मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। पर अपने रिसेंट ब्लॉग में लक्ष्य चौधरी जो है वो रिएक्ट किए एलविस यादव के जीतने पर, साथ ही उन्होंने ध्रुव राठी को भी रोस्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि लक्ष्य चौधरी को कितनी गालियां पड़ रही है। सलमान अभी तो 3-4 बार सलमान भाई गलत हाथ उठाएंगे। अरे हाँ, अरे 3-4 बार तो जीत गया, जीत गया। ट्विटर पर अपडेट आई, पता नहीं झूठी भी हो सके। अच्छा, अरे ट्विटर की तो झूठी है यार, जब से एलवी जी है, मतलब 200% एलवी जी है। लेकिन एलविस को जीतते ही लाइव आना चाहिए इंस्टाग्राम पे, रिकॉर्ड तोड़ देगा एलविस, तोड़ देगा। सलमान भाई प्ले करेंगे बहुत देर तक, अभी हो गया बस। आ गया क्या? आ गया। 3, 2, 1, 0.5 विनर इज। ये मेरे को तो धक-धक हो रहा है। हाँ, पहले जिसका हाथ उठा वो नहीं जीतने का। अभिषेक कर देंगे काम कर रहे अरे भाई हार्ट अटैक आने वाला, क्या सीन है। अपने तो नहीं भाई है, पर मैं एलविस की तरफ हल्का सा मैं हूँ लीड। एलविस जीत गया भाई, एलविस जीत गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब एलविस यादव ने बिग बॉस को जीता तो उनके इंस्टाग्राम पर ये वाला पोस्ट किया गया था। तो यहीं पर आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पर लक्ष्य चौधरी ने भी अपना कमेंट किया है, और उन्होंने ये हार्ट वाला इमोजी डाला जिस पर लगभग 78,000 लोगों ने लाइक्स भी किया है। तो लक्ष्य चौधरी वाले यहाँ पर रिप्लाई में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं लक्ष्य चौधरी से, क्योंकि उन्होंने एलविस यादव को सपोर्ट किया और फुकरा इंसान को सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जैसे एक बंदे ने लिखा दोगला इंसान, एक ने यहाँ पर लिखा कि तेरे घर वाले भी दोगले हैं क्या, ऐसे करके लिखा है। फिर एक और बंदे ने लिखा यहाँ पर दोगला, यहाँ पर एक ने लिखा कि दोगला लक्ष्य मतलब फुकरा के लिए एक पोस्ट भी डाल नहीं पाया यूट्यूब कम्युनिटी पर, ऐसा लिखा उन्होंने। एक ने यहाँ पर गाली दिया है, एक ने यहाँ पर लिखा कि कितनी घटिया कम्युनिटी है, जो जीता वहाँ चल दिए, न्यूट्रल रहने का ज्ञान दे के इंसानियत में ही गेटवेल सुन बोल देते हैं। वैसे भी एलविस के दोगलेपन के बाद इन सब से भरोसा उठ गया, कहते हैं कुछ कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। एक ने लिखा कि दोगला और भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। ये तो हो गया कि एलविस यादव के पोस्ट पर बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहे हैं लक्ष्य चौधरी से। अब यहाँ फुकरा इंसान के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुकरा इंसान ने ये वाला वीडियो डाला था जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो जल्दी रिकवर करेंगे, तो दिल से थैंक यू उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर फुकरा इंसान के कमेंट सेक्शन में उन्होंने लक्ष्य चौधरी ने लिखा है वेल प्लेड ब्रो गेट वेल सून, ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पब्लिक का क्या रिएक्शन इस चीज़ पर। तो यहाँ पर एक ने लिखा है कि आपसे बड़ा गद्दार नहीं देखा है भैया, अब वेल प्लेड मत बोलो, एक बार भी सपोर्ट नहीं किया आपने, भाईचारा के नाम पे दोगलापन। नो हेट फॉर यू बट व्हाट यू डिड इट कैंट बी एक्सेप्टेबल टू अस, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी बिटवीन यू ऑल, बट वी आर द विटनेस हाउ द होल कम्युनिटी स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट फुकरा इंसान, एट द एंड बिग नंबर्स वॉन नॉट द एक्चुअल डिजर्विंग, यानी कि लोगों का कहना कि एक्चुअल डिजर्विंग जो थे फुकरा इंसान थे, पर बस नंबर्स देख के आप सभी लोग एलविस यादव की तरफ झुक गए, और क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा थे, उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए आप लोग भी उन्हीं की तरफ चले। बाय द वे स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू बिकॉज वी लव टू वॉच यू ऑल एवरी टाइम। मिस्टेक सबसे होता है, वही हुआ है, लेकिन उनसे सीखना सबसे ज़रूरी होता है। टेक लव एंड द लास्ट वन थिंग, वी आर योर फैंस ऑल्सो, प्लीज डोंट ब्रेक अवर हार्ट। लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं लक्ष्य को, पर रिक्वेस्ट है कि आपसे वो ऐसा नहीं करें, है ना। एक ने लिखा जल्दी वहाँ से हटो, मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि लक्ष्य चौधरी जाकर फुकरा इंसान के लिए थोड़ा सिंपैथी दिखा रहे, बोल रहे जब ज़रूरत है तब आपने हेल्प नहीं किया, सिंपैथी नहीं दिखा, उनके बारे में एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पोस्ट भी नहीं किया, और अब आए हो यहाँ पर हमदर्दी दिखाने। एक ने लिखा रिस्पेक्ट डिक्रीज फॉर यू, सी है तू सी,
चोमू, एक ने लिखा चोमू भाई तूने दिल तोड़ दिया, यू ऑल्सो वेल प्लेड, मतलब लक्ष्य चौधरी ने भी अच्छा गेम खेला ऐसा लोगों का कहना। व्हाट ए चीट यू आर भाई, प्लीज यहाँ अपनी सिंपैथी मत दे, दुगला आदमी भाईचारा दिखाने आ गया, सिंपैथी लेने आए हैं साला दुगला, जाके अपना काम करो, ऐसा एक ने लिखा जाके अपना काम करो, बिना पेंदी का लोटा है तू, एक ने लिखा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लक्ष्य चौधरी से बहुत सारे फैंस उनके नाराज हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो फुकरा इंसान के बारे में अब एक शब्द भी बोले, क्योंकि जब ज़रूरत था तब उन्होंने कुछ भी नहीं पोस्ट किया, ऐसा लोगों का कहना है। तो अब इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। ऐसे अपडेटेड रहने के लिए खबरी मैन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।